हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जापा जांजगीर में जो टीचर वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों, उसके अपडेट के बारे में। और अपडेट ये है दोस्तों, यहाँ दो अपडेट आज आप लोगों को देखने मिलेंगे जापा जांजगीर में। एक ये है दोस्तों, जो असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 के जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई थी, तो वो लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और दूसरी अपडेट ये है दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने बताया था कि जो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बाद एक लिस्ट जारी की गई थी मेरिट लिस्ट, अब यहाँ पे उसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आप लोग यहाँ से देख सकेंगे व्यू करके, और कुछ ही दिनों में फिर फाइनल यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिस्ट यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट भी एक निकलेगी साथ में ही, और उसके बाद नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा चापा जांजगीर में। तो यहाँ पे दो नई अपडेट थी, तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 में जो दोस्तों प्री एलिमिनरी लिस्ट या प्रोविजनल लिस्ट जो जारी की गई है उसके बारे में। तो यहाँ से हम 4 MB का एक फाइल हमने डाउनलोड किया है, और यहाँ से हमने व्यू करेंगे नोटिस को। तो ये देख सकते हैं, लेखापाल और सहायक ग्रेड 2 एवं 3 के लिए जो है यहाँ पे संविदा भर्ती हेतु प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया गया है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है। और लगभग यहाँ पे दोस्तों सहायक ग्रेड 2 और के लिए यहाँ पर देखेंगे कुल 4525 आवेदन आए थे, और यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए 5081 आवेदन आए थे दोस्तों। तो यहाँ पे नोटिस पे ये लिखा है कि सहायक ग्रेड 2 और 3 के जो समस्त आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं उसको यहाँ पे चापा जांजगीर की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। और आवेदकों से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर मेरिट सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी, जिसका प्रकाशन कुछ ही दिनों में किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर स्किल टेस्ट होगा, देन उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन लिस्ट, और उसके बाद फिर आपका नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग नोटिस को देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे चार देख सकते हैं, ये आवेदन क्रमांक है 4000 से स्टार्ट हो रहा है ये। और यहाँ पर देखेंगे आवेदक का नाम है, यहाँ पे उनके फादर का नाम है, जो भी ऑनलाइन में जो आपने एंटिटीज डाली थी उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी हुई है। इसके बाद फिर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसके बेस पे, और उसके बाद फिर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की रहेगी, और नियुक्ति आदेश मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके मूल निवासी हैं, यहाँ पे 10th का आपका मीडियम क्या रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग 10th का 12th का यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम जिस पे आपने PGDCA किया है या कंप्यूटर में किसी प्रकार का डिप्लोमा किया गया है, तो उस तरीके से यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को देखने मिल जाएगी। तो ये एक अपडेट थी। और दूसरी अपडेट की बात करें ये सेकेंड अपडेट की, तो यहाँ पे देखेंगे 30 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ है, यहाँ 8 MB की फाइल है। तो जैसे ही इसको करेंगे व्यू, आप लोग को कुछ इस तरीके का नोटिस देखने मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर इस इंटरव्यू हुए हैं और स्किल टेस्ट हुए हैं 24 से यहाँ 27 के बीच में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे जो लिस्ट जारी की गई थी यहाँ पे मेरिट लिस्ट, उसी के रिगार्डिंग ये मैसेज है। और यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापना आदेश पृथक से जारी किया जाएगा। तो इस लिस्ट को भी व्यू कर लेंगे आप लोग, इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को। कल जो मैंने लिस्ट दिखाया था उसमें दोस्तों कैंडिडेट के नाम थे, और उस पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद उसका वेटेज, और यहाँ पे स्नातक का परसेंटेज के वेटेज, और इस जो आपने स्किल टेस्ट या इंटरव्यू में आपने जो प्राप्तांक किए हैं उसके आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 88.81% है यहाँ पे स्नातक पे, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे
ये प्रधान पाठक के लिए है दोस्तों, ये देख सकते हैं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में। और उसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार में 33 अंक लाए हैं, तो इस तरीके से कुल टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 53.29% होगा। यहाँ पे 88.8 का अगर हम 60% लें तो 53.23 होगा, और यहाँ पे 33 उनको इंटरव्यू में दिया गया है। देन उसके बाद इसको टोटल करके इस तरीके से लिस्ट सारी जारी की गई थी। तो ये जांजगीर ज़िले की अपडेट थी दोस्तों, ये दोनों ही अपडेट महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।